नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के आसान तरीके बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने भी अपने गार्डन में एडेनियम के प्लांट्स लगाए हैं और आप अपने प्लांट्स से ज़्यादा फ्लावरिंग पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में एडेनियम के लिए बेस्ट ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने वाला हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप अपने एडेनियम में लगातार फूल प्राप्त कर सकें। मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए गोट मैन्यूर को यूज़ करने वाला हूँ। यह बकरियों के वेस्ट होते हैं और यह लगभग हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। यह ज़्यादातर गांवों में, छोटे शहरों में और ऑनलाइन स्टोर पर भी आसानी से मिल जाते हैं। आप इसका इस्तेमाल फ्लावरिंग प्लांट में और फ्रूट वाले प्लांट में भी कर सकते हैं। यह बिना डिकम्पोज हुए भी पौधों को सही पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसमें एनपीके के प्रचुर मात्रा होती है और साथ में इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर भी होते हैं, जो पौधों के ग्रोथ और फ्लावरिंग करने में मदद करता है। सबसे पहले लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए लगभग 200 से 250 ग्राम गोट डंग लेंगे और लगभग 10 लीटर पानी में मिलाकर इसे 10 से 15 दिनों तक सड़ने दें। आप अपने आवश्यकता के अनुसार गोट डंक ले सकते हैं और पानी में मिला सकते हैं। और साथ ही साथ इसे नियमित रूप से दिन में एक बार घोल को मिलाते रहें। इससे यह अच्छे से घुल मिल जाएगा और यह जल्द ही तैयार हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह फर्टिलाइज़र बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। मैंने इसे 10 दिन पहले तैयार किया था। आप देख सकते हैं कि इसके रंग जो हैं वो गहरे हो चुके हैं और इसमें जितने भी गोट डंग थे वो लगभग नीचे बैठ गए हैं। अब मैं इसे अच्छे से घोल कर अपने एडेनियम के पौधों में इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप इसे 15 से 20 दिनों के अंतराल पर यूज़ करें। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे भी बर्न नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो पौधों को जला देते हैं, लेकिन आप अगर यह फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो पौधे आपके बर्न नहीं होंगे और अच्छे से फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।